हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम नैरेट करेंगे नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलो जल्दी से नैरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ली मिन कहती है कि मेरा रियल नेम है ली सियोलमिन और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे याद रखो, और वो ये कहकर चली जाती है। प्यो समझ नहीं पाता कि आखिर ली मिन उसे ये सब क्यों कह रही है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिम सभी बच्चों को इकट्ठा कर कहते हैं कि आज हम सभी लोग इस कैब से बाहर निकल जाएंगे, और बच्चे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली आज हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लिम फिर सोयल को कहते हैं कि सोयल, हम इंस्ट्रक्टर्स के बाहर जाने के बाद तुम सभी बच्चों को लीड करते हुए बाहर लेकर आओगी। उसके बाद उनके लिए ऊपर से एक बड़े बकेट को लाया जाता है जिस पर लिम और बाकी सब ऊपर आएंगे। लिम उस पर चढ़ते हुए सोच रहे थे कि पता नहीं आखिर उनमें से कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ये बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उनका सामना एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट से होना है जिसके पास जियांगू की सबसे ज्यादा टैलेंट है, और इस वजह से उन्हें सर्वाइव करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पर उन्हें क्या होता है उसे मुझे क्या, मेरा रोल यहाँ पर खत्म हो गया है और मैं बाहर जाने के बाद रिटायर होना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी ये असोसिएशन की लाइफ खत्म हो जाएगी। और इंस्ट्रक्टर्स को ऊपर जाता हुआ देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि फाइनली आज हम लोग बाहर सच में ही जाएंगे। सोयल फिर सभी को कहती है कि जबकि बास्केट बहुत बड़ा नहीं है तो हम लोग सभी एक साथ इसमें नहीं आ सकते, तो हम लोग दो बारी में जाएंगे। प्योवल सोच रहा था कि क्या हम सच में यहाँ से बाहर जाएंगे, और वह ये कहकर कुछ सोचने लग जाता है। सोयल आकर कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जाने के बाद हमें जल्दी एक मिशन दे दिया जाएगा। प्योवल कहता है ऐसा हो तो सकता है, पर उस कर्स पॉइजन का क्या। तो सोयल कहती है कि हम में से कुछ डिटॉक्सिफाइड हो चुके हैं क्योंकि लिमिन को पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता है। प्योवल कहता है क्या सच में उसे इतना सब कुछ पता है। तो सोयल कहती है कि हाँ उसे पता है, अभी बस हमें यहाँ से निकलने की देरी है, चलो चलते हैं। और उसके बाद आधे बच्चों को पहली बार में ऊपर भेज दिया जाता है, और फिर बारी आती है बाकी बचे हुए बच्चों की। सोयल कहती है कि चलो चलते हैं, हम ही आखिरी हैं। और ऊपर जाते हुए प्योवल सोच रहा था हम लोग तो बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड रह रहे थे, मुझे लगा था कि जगह कोई नरक जैसी होगी, पर यह जगह खुद ही नरक है, 7 साल तक ऐसे जगह में रहना। तभी सोग्यो कहता है कि हम ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं, मुझे दिखाई दे रहा है हम बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं। तभी अचानक से प्योवल अपने कपड़े फाड़ कर अपने आंखों में बांध लेता है और सभी को कहता है कि सभी जल्दी से अपने आंखों पर पट्टी बांध लो, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम सभी लोग अंधे हो जाओगे। और सभी जल्दी से आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, पर फिर भी रोशनी को सहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सूरज की रोशनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे कि उनके आंखों में दर्द हो रहा था। उसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं, पर अभी भी उन्होंने अपनी आंखें ढकी हुई थी। तभी उनके पास एक आदमी आकर कहता है कि लगता है हम लोगों ने यहाँ पर कुछ काम के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है। प्योवल ये वॉइस सुनकर सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है। वो आदमी फिर कहता है कि मैं श्योर हूँ जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। प्योवल सोच रहा था कि उनके वॉइस सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, और मैं उनके बातों से इतना तो एज्यूम कर सकता हूँ कि वो यहाँ पर किसी बड़े पोजीशन पर है, और हो सकता है कि ये आदमी ब्लड शैडो ग्रुप का कैप्टन हो। और ये आदमी सच में ब्लड शैडो ग्रुप का कैप्टन ही निकलता है, गु जुयांग। जुयांग कहता है कि उन सभी को ही कैरेज में डालकर क्लियर विंग मैनर में लेकर जाओ और उन्हें बाहरी दुनिया से एक्लेमेटाइज करो। उसके बाद ऐसा ही किया जाता है, पर प्योवल सोच रहा था कि मैंने तुम्हारे वॉइस को याद कर लिया है। उसके बाद उन सभी को एक क्लियर विंड मैनर में लेकर जाया जाता है और बताया जाता है कि तुम सब यहाँ पर ही रहकर बाहरी दुनिया से एक्लेमेटाइज करोगे, और तुम बाहर हो इसलिए अपने गार्ड्स को डाउन बिल्कुल भी मत करना। प्योवल फिर कहता है कि जबकि हम लोग अभी बाहर हैं मैं जाकर नहाकर आता हूँ। सोग्यो कहता है कि पर तुम नहाओगे कहाँ पर। तो प्योवल दिखाता है कि यहाँ पर एक कुआ है। प्योवल फिर बाहर जाकर उस कुएं के पानी से नहाता है और बाहर ही लेटकर सोच रहा था ये चांद की रोशनी, ये हवा, ये ताज़ा पानी कितना अच्छा लग रहा है, और हम लोग फाइनली बाहर आ गए हैं। उसके बाद अगले दिन बच्चे बाहर मस्ती करने लगते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और प्योवल एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सब देख रहा था। बच्चे यहाँ पर बाहर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि वह यहाँ पर फिर से बाहर आ पाएंगे और इस नेचर को फिर से देख पाएंगे। उसके बाद प्योवल के पास एक आदमी आकर उसे 2 डैगर देता है और कहता है कि तुम्हें ये हथियार दिए जा रहे हैं, इन्हें संभाल कर रखना, तुम जल्द ही इनका इस्तेमाल करोगे। उसके बाद हमें ग्रेट मून पैलेस को दिखाया जाता है, और पैलेस के अंदर जुयांग लिम के साथ बैठे हुए थे।
जो यांग कहता है कि आपके इस हार्डवर्क के लिए आपका शुक्रिया। तो लिम कहते हैं कि मैंने बस वही किया है जो कि मुझे करना चाहिए था। तो जो यांग कहता है कि हमारा ग्रुप और भी ज़्यादा प्रॉस्पर कर पा रहा है और उसका रीज़न है आप जैसे लोगों के सेक्रीफाइसेस, और मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर मैं कैसे आपका ये एहसान चुकाऊंगा। तो लिम कहते हैं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैं ऑलरेडी मर चुका होता अगर फॉर्मर हेड ना होते। जो यांग कहता है कि आपको जो करना चाहिए था आप कर चुके हैं, अब आप जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तो लिम पूछते हैं कि क्या आप मेरे रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो यांग कहता है कि मैंने इसे तैयार किया है ताकि बस आपने सेकेंड एंड थर्ड शॉट में रिटायर हो सके। और लिम इसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो यांग को थैंक्स कहते हैं। जो यांग फिर कहता है कि कोई बात नहीं, आपने अपना सब कुछ ब्लड शैडो ग्रुप को दे दिया है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लिम उसके बाद कहते हैं कि वो बच्चे सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है तो उन्हें एक बार यूज़ करके फेंक देना मतलब ये वेस्टी होगा। जुयांग कहते हैं कि मुझे भी यह बात पता है, ऐसे टैलेंट्स को ऐसे फेंक देना काफ़ी शर्म की बात है, पर हम कुछ भी कर नहीं सकते, उनका और हमारा ऐसा यहीं पर ही ख़त्म होता है। लिम उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपको पता चला है आखिर हमसे ये रिक्वेस्ट किसने करी है। तो जुयांग कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, और आपको भी अपनी लाइन क्रॉस करनी नहीं चाहिए अगर आप इस बिजनेस में रहना चाहते हैं। हमारे पास कोई रीज़न नहीं है आगे जाकर ये जानने की कोशिश करने की कि आखिर ये लोग कौन है। हमें 5 लाख गोल्ड यंग दिए जा रहे हैं तो हम लोग कुछ भी करेंगे, और जब तक ब्लड शैडो ग्रुप जियांगो के ग्रेटेस्ट असैसिन ग्रुप द 100 रेथ यूनियन के बराबरी नहीं कर लेता, जितना केयरफुल हो सके उतना केयरफुल रहना, पर पता नहीं है कि वो भी पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं। पर अगर हम इस रिक्वेस्ट को पूरा करने में कामयाब होते हैं तो ब्लड शैडो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी, और हम लोगों ने जैसे ही ये कर लिया दी 100 रेथ यूनियन तक पहुंचना और इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। फिर हमें प्योवोल को दिखाया जाता है जो कि डैगर को हाथ में लेकर कुछ सोच रहा था। सोग्यो कहता है कि आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो, जब मिशन पर जाने के बाद आई तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो प्योवोल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा है। तो सोग्यो कहता है कि कितना झूठ कहोगे तुम और डर रहे हो, मैं श्योर हूँ दूसरे ये बात सुनकर हंसेंगे। पर प्योवोल कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम आमतौर पर कभी इतना बात नहीं करते। सोग्यो कहता है कि क्या कहा, मैं और डर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से मिशन में भेजा जाए क्योंकि मैंने 7 साल तक जो कुछ भी सहा है उसका मज़ा किसी का सर काटने के बाद ही आएगा, उसका मज़ा किसी का सर काटने के बाद ही जाकर आएगा। फिर गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि तुम सभी को जो हथियार दिए गए थे उन्हें लेकर बाहर आओ, तुम सभी अभी छुपते छुपाते हुए कहीं पर जाओगे। उसके बाद हम जंगल में 4th स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि आगे जा रहा था और सभी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। 4th स्वॉर्ड सोच रहे थे कि सभी मुझे काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बिना पिछड़े, लगता है कि सीनियर ब्रदर्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी है, ये बच्चे हमारे रेगुलर मेंबर्स की भी बराबरी कर रहे हैं। उसके बाद 4th स्वॉर्ड एक किनारे पर आकर रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि सभी खुद को यहाँ पर छुपा लो, और वो ये कहते हैं सभी एक झटके में गायब हो जाते हैं। 4th स्वॉर्ड कहते हैं कि तुम सभी का ही ऑब्जेक्टिव इस माउंटेन में है, अगर तुम सभी लोग मेरे बातों पर अच्छे से ध्यान देते हो तो तुम लोग यह काम बिल्कुल आसानी से कर पाओगे और तुम लोगों को आगे जाकर एक मैनर दिखाई देगा, और ये बिल्कुल वैसा ही मैनर होगा जिसमें तुम लोग रह रहे थे, और उसी मैनर के अंदर तुम्हें एक बिल्डिंग मिलेगी और उसी बिल्डिंग के अंदर वही आदमी रह रहा होगा जो कि तुम्हारा टारगेट है, पर वो घर मैनर के एकदम किनारे पर है। सभी सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने वहां तक जाने का रास्ता याद कर लिया है, पर आखिर कौन है वहां पर जिसकी वजह से हमें 7 साल की ट्रेनिंग दी गई है। प्योवोल सोच रहा था कि तो गुसेंग वहां पर रहता है। तभी सीन कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फूलों को देख रही होती है, और इस लड़की का नाम है सियोल रेन। तभी एक ओल्ड वेमेन आकर कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर अकेली आई हो, और यह है एमए सेक्ट के लीडर एबेस ऑफ 9 कलामिटीज, और सियोल रेन उन्हीं की सबसे यंगेस्ट डिसिपल है, और ये जो एमए सेक्ट है यह पूरे लड़कियों का ग्रुप है, और एबेस एक नंस की ग्रुप की हेड और एक पूरे फीमेल ग्रुप के लीडर को कहा जाता है। सियोल रेन फिर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बाहर हवा काफ़ी अच्छी दे रही थी। लीडर कहते हैं कि तो तुम हमेशा की तरह फिर से सेंटिमेंटल हो रही हो, क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो। तो सियोल रेन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अंदर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसी वजह से ऑन दी लाइन आ चुकी है, मुझे काफ़ी खुशी होती अगर आप मुझे कभी यहाँ पर नहीं लाती। तो लीडर कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऊँची आवाज़ में बात कर रही हो, तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया था जब तुम रास्ते में भीख मांग रही थी, किसने तुम्हें यहाँ पर खाने को दिया था, रहने को दिया था, मार्शल आर्ट सिखाई थी जिसके वजह से आज तुम यह बन पाई हो, और इस सब के बाद तुम ऐसा बात कर रही हो। तो सियोल रेन कहते हैं कि वेल ये बस एक थॉट है,
कोई डाउट ही नहीं है कि एक डिसिपल उसका मास्टर के विल को ही फॉलो करती है। आप प्लीज बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए, आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लीडर फिर कहती है कि अगर उन्होंने हमें वो आंसर नहीं दिया जो कि हमें चाहिए, तो हम उस प्लान पर काम करना शुरू कर देंगे जिसको लेकर हम पिछले 7 सालों से बात कर रहे हैं। तो सियोलरेन कहती है कि मैं आपको हमेशा फॉलो करने को तैयार हूँ। सियोलरेन फिर सोचती है कि मास्टर अभी बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। तभी एक लड़की जियोंगा भागते हुए आकर कहती है, मास्टर हमें किंगचेंग सेक से रिप्लाई मिली है। तो लीडर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। तो जियोंगा कहते हैं कि उन्होंने हमें वो प्रपोजल दे दी है जो कि हमें चाहिए थी। तो लीडर कहते हैं कि चलो काम हो गया। सियोलरेन वहीं पर सोच रही थी कि ये सब ऐसे खत्म होना था। लीडर फिर सियोलरेन को कहती है कि अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, हमारे सेक्ट का फ्यूचर तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर ही टिका हुआ है। तो सियोलरेन कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और लीडर ये सुनने के बाद सोच रही थी कि ये कितने दुख की बात है, मैं इस टैलेंटेड लड़की को अपना सक्सेसर बना नहीं सकती और बस उसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर सकती हूँ। जियोंगवा फिर कहती है कि आखिर हम लोग उस चीज से कैसे डील करेंगे मास्टर। तो लीडर कहती है कि वो चीज क्या तुम उस प्लान की बात कर रही हो। तो जियोंगवा कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल में जहाँ पर सभी लोग छुपे हुए थे। प्योवल सोच रहा होता है कि आखिर कितना समय पास हो गया है, क्या अभी ऑलरेडी सुबह हो गई है और असैसिनेशन का काम रात को किया जाएगा तो हमारे पास अभी कुछ समय बचा हुआ है और ऐसे भी मैं अंधेरे में ज्यादा बेहतर हूँ ना कि उजाले में, और अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर ऐसे खड़े रहकर रेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अचानक ही जंगल में एक बहुत तेज शोर होता है और प्योवल इस शोर से पूरा अलर्ट हो गया था और सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है और उसके अंदर काफी बैड फीलिंग हो रही थी। और तभी प्योवल देखता है कि एक बच्चा जो कि उसके पास से छुपा हुआ था उसके ऊपर किसने स्पीयर मारा है, और ये देखकर प्योवल पूरा शॉक रह गया था। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।